देखिए लास्ट वीक पर आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे काल था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया था जो कि हम एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे थे। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम हो गया, ठीक, मस्कुलर हो गया, कनेक्टिव कनेक्टिव मेन पार्ट थे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी टू टाइप्स होते हैं, एक लूज एक डेंस। तो लूज भी हमने बता दिए, उसके बाद डेंस लास्ट नंबर डेंस था। डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं एंड टाइप्स क्या होते हैं, दो होते हैं, एक क्या एक को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडांस होता है, सेकंड लिगामेंट्स। तो कल आप लोगों का ये हो गया था फाटे दिल लिगामेंट्स किसे कहते हैं एंड टेंडांस। जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू मेनली टू टाइप्स था। क्लासिक विकेशन के समय आप लोगों को हम बता दिए थे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में एक था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट था एरियोरम। एरियोलर के जो हमने बताए थे मेनली दो थे, लूज एंड डेंस, ठीक। सेकेंड होता था एडिपोज, एडिपोज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड क्या है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज का मीन समझ लो फैट से, ठीक। एडिपोज मीन्स क्या होता है फैट्स। एडिपोज ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है एडिपोज, ठीक है। तो एडिपोज का मीन समझ लो कि फैट्स फैट्स है वसा से संबंधित। तो फैट्स कनेक्टिव टिश्यू मीन्स बॉडी में क्या होती है फैट की भी नीड होती है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों को फैट्स तो दिखाई नहीं देता होगा लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जब विंटर सीजन आता है ठंडी के समय आता है तो क्या होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे रहे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का कि जैसे विंटर सीजन आता है तो कहते हैं जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठंडी लगती है और जो हेल्थी पर्सन होते हैं, ठीक, फैट पर्सन होते हैं उनको क्या होती है ठंडी कम लगती है। ऐसा क्या है कि पतले लोगों को ठंडी कम ज़्यादा लगती है, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनकी ठंडी कम जब ठंडी ज़्यादा लगती है, जो मोटे पर्सन होते हैं हेल्थी पर्सन होते हैं, ठीक, मोटे होते हैं उनको क्या होती है ठंडी कम लगती है। बिकॉज क्योंकि ये ऐसा होता है जो एडिपोज की लेयर होती है, जो फैट लेयर होती है बॉडी की, फैट लेयर होती है फैटिक लेयर होती है वसा की परत होती है जो होती है, जो मोटे पर्सन होते हैं फैट पर्सन होते हैं उनकी लेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेयर बाय लेयर की जो परत होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनके पास जो ठंडी होता है ठंड बहुत कम समय तक पहुँचता है उनको ठंडी कम लगती है क्योंकि वो लेयर क्या करती है रोक लेती है थोड़ा बहुत, ठीक। और जो दुबले पतले लोग होते हैं उनकी जो एडिपोज क्या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होती है फैट्स की जो लेयर होती है वो क्या होती है बहुत कम होती है, इसलिए दुबले पतले लोगों को ठंडी ज़्यादा लगती है। तो आज हम आइए देखते हैं कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनका करेक्टर्स क्या होता है, ठीक। तो करेक्टर्स आप करेक्टर्स ऑफ करेक्टर्स ऑफ एडिपोज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिए इनका करेक्टर एग्रीगेशन।
क्या करती हैं? जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का इनका फंक्शन होता है, काम होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन एग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। और फैट सेल, जितने बॉडी में फैट सेल होती है, वसा की कोशिकाएं होती है, फैट सेल होती है, ठीक है, उनको क्या करती है? इकट्ठा करती है। किसका फंक्शन है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक, इसी से हम पहचान लेते हैं। और भी इनका हम करेक्टर्स देखते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इनका अगर हम शेप देखते हैं कि किस शेप की होती है, जैसे सबका हम शेप देखते थे कि ऐसे होते हैं, लाई देखते थे किसके सामान होती हैं, वैसे इनको हम देखते हैं कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, मीन्स ये जो फैटिक सेल होती है, जो हम लोग फैट्स यूज करते हैं, जाकर बॉडी में क्या होती है, कलेक्ट होती है, इकट्ठा होती है, कहाँ इकट्ठा होती है? फैटिक सेल में, वसा कोशिकाओं में जाकर इकट्ठा होती है। तो क्या करती है? जो वसा, जो फैट सेल होती है, जो फैट सेल होती है, वसा कोशिकाएं होती है, फैट का कलेक्शन करती रहती है, एग्रीगेशन करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है। आगे देखते हैं कि इनका शेप कैसे होता है, ठीक है। द शेप ऑफ एडिपोज, द शेप मीन्स क्या होता है? आकार। द शेप ऑफ एडिपोज, द शेप ऑफ एडिपोज ओवल, ओवल एंड राउंड। राउंड से गोलाकार होता है, इनका शेप होता है, ठीक। और हम देखते हैं ये क्या करती है, तीसरा इनका फंक्शन होता है, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक, बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, ये त्वचा के नीचे होती है। द एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाई कहाँ जाती है? अपरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, उपज के अपरेंस। अपरेंस देखते हैं ये पाई कहाँ जाती है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू निकलता है, तो जो उसमें से पोर होते हैं, ठीक है, पोर को हमने एपिथेलियम स्टार्टिंग में बता दिया, जहाँ से हेयर निकले रहते हैं बॉडी से, उसको कहते हैं एपिथेलियम बॉडी में। उसे स्किन के नीचे क्या होती है, ये जो पोज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, वो अपर की जो स्किन है, बॉडी की जो स्किन है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो उसी के नीचे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। बिलो द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं एंड फाउंड द इंटरनल ऑर्गन एंड फाउंड द इंटरनल इंटरनल ऑर्गन जो आंतरिक अंग होते हैं, अंदर के जो अंग होते हैं, वहाँ पर भी ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं।
और एक करेक्टर हम देख लेते हैं इनका। देखते हैं द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू, द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हैव लार्ज, हैव लार्ज, लार्ज रखती है लार्ज हेड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट ठीक है इन द टिश्यू। ये क्या होती है जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये रखते हैं लार्ज हेड ड्रॉपलेट। आप लोग जानते हो जैसे हमने बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट मीन्स होती है बूंदे, ड्रॉपलेट मीन्स क्या होती है बूंद होती है, ड्रॉपलेट मीन्स क्या होती है बूंद। अगर हम ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट मीन्स क्या होती है बूंद, ये हम वाटर ड्रॉपलेट कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट कहते हैं तो मीन्स क्या होगी पानी की बूंद, जो बारिश होती है उसी को अगर हम कहना हुआ हम पानी की बूंद तो उसे हम क्या कहेंगे वाटर ड्रॉपलेट। लेकिन जो फैट की ड्रॉपलेट होगी फैट मीन्स वसा ठीक है, तो इनके टिश्यू के में क्या पाई जाती है जो टिश्यू होते हैं जो ऊतक होते हैं कौन से एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या होती है फैट्स की ड्रॉपलेट। जो टिश्यू होते हैं है लार्ज बहुत ज़्यादा, लार्ज मीन्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती हैं फैट ड्रॉपलेट रखते हैं मीन्स वसा के बूंदे रखती हैं ठीक। तो ये इनके जनरल करेक्टर हो गए और अक्रेंस हो गए ठीक है। कि किसे कहते हैं जनरल करेक्टर क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है प्लस इनके अक्रेंस कहाँ पाए जाते, दो जगह पाए जाती हैं ब्लू द स्किन, स्किन के नीचे एंड इंटरनल ऑर्गन। इनका करेक्टर्स क्या होता है कि ओवल शेप होती है, राउंड शेप होती है, इनके जो टिश्यू होते हैं लार्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, अत्यधिक मात्रा में हैव रखते हैं फैट ड्रॉपलेट इन द टिश्यू, फैट मीन्स वसा, ड्रॉपलेट मीन्स वसा के बूंदे टिश्यू में बहुत अधिक मात्रा में अपने ऊतक में एडिपोज कनेक्टिव ऊतक टिश्यू में क्या होते हैं फैट्स की, फैट्स की बूंदे रखते हैं बीच बीच में ठीक। देन अब इनका हम फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर कठिन है लंबी स्पेलिंग है लेकिन अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर ये लिखते भी है ये बोलते भी हैं। तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ये मेंटेन करती हैं संतुलित रखती हैं आप बॉडी टेम्परेचर शरीर के तापमान को, बॉडी टेम्परेचर ने शरीर के तापमान को एकाग्र करती है मेंटेन रखती है मीन्स हमने बताया है कि जब ठंडी होती है तो क्या करती है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वसा की क्वांटिटी पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है जिससे क्या होती है बॉडी में खुद ही हीट है, बॉडी में क्या है हीट है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ठंडी कम लगती है, बाहरी का जो इन्वायरमेंट है जो वातावरण है
वो क्या रहता है, कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वसा की वजह से वो ज़्यादा होती है, तो जिससे क्या होती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। यदि हम दुबले पतले हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उनकी लेयर भी कम होगी, तो हमें ठंडी ज़्यादा लगेगी। उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा रखते हैं बाय द हीटर, बाय द ओलन क्लाथेज, ऊनी कपड़ों के द्वारा, ठीक। और सारे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कई टाइप्स से। तो ये किसका आंसर है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होती है मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है, ठीक है। और एक इनका आंसर होता है, ये क्या करती है, इंसुलेशन मैकेनिकल शॉक। इंसुलेशन मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल शॉक मीन्स होता है यांत्रिक गतिविधि, शारीरिक यांत्रिक गतिविधि, इसको कहते हैं मैकेनिकल शॉक। मीन्स जब क्या कहते हैं, या तो गर्मी होती है तब हमारी बॉडी से फैट्स निकलता है, या हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फिजिकली का मतलब दौड़ना या काम करना, तब भी पसीना निकलता, पसीना की सहायता से क्या होते हैं, कुछ आयल ग्लैंड्स पाए जाती हैं, तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनके द्वारा भी ये बाहर निकलते हैं, फैट्स निकलते हैं। तो ये क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है, मैकेनिकल शॉक करती है। तो ये क्या करती है, बॉडी को रेगुलेट करती है, बॉडी को नियमित करती है, नियमित रखती है। किसका काम होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। तो आज की ये टॉपिक थी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का हमने करेक्टर्स बताया कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं किस शेप के होते हैं, ओवल शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल, वो सब कोशिकाओं के इकट्ठा करते हैं, उसी को कहते हैं एग्रीगेशन। सेकंड है, थर्ड है, द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट ड्रॉपलेट मीन्स ये यदि अत्यधिक मात्रा में क्या करती है, वसा को ड्रॉपलेट को रखती है, अत्यधिक मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी मीन्स अत्यधिक मात्रा में फैट रखती है। फैट मीन्स वसा, ड्रॉपलेट मीन्स क्या होती है, वसा की बूंदे। तो जो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अत्यधिक मात्रा में वसा की बूंदे को रखती है। अगला लिखा, आकरण से देखेंगे, उपस्थित देखेंगे कि ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं पाए कहाँ जाते हैं, पाए जाते हैं ब्लू द स्किन, त्वचा के नीचे। ब्लू मीन्स क्या होते हैं, नीचे, ठीक है। तो या लोअर द स्किन, लोअर मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, लोअर द स्किन, ब्लो द स्किन, जो भी आप बना लीजिए सेंटेंस को, वही है ब्लो द स्किन, त्वचा के नीचे, लोअर द स्किन, त्वचा के नीचे। लोअर मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, अपर मीन्स ऊपर होता है। तो ये वही पाए जाते हैं। इनका फंक्शन हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, मेन यही है कि बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है, ठीक। तो आज की एक छोटी सी टॉपिक थी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। आज के लिए इतना, आगे मिलेगा।